ये जो इंड टू इंड कनेक्शन दिख रहा है, इसी इंड टू इंड कनेक्शन रजिस्टर का जो है, इसी को हम बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। इंड टू इंड कनेक्शन बोलते किसको हैं? दो, यहाँ पे एक रजिस्टर दिख रहा है जिसे रजिस्टेंस कहते हैं R1, इसका एक इंड यहाँ पे है, दूसरा इंड यहाँ पे है, ये दो पॉइंट पे, इसका एक इंड यहाँ पे, इसका एक इंड यहाँ पे। हम बोल सकते हैं कि इसका इंड एक किनारा और इसका एक किनारा आपस में कनेक्ट है, फिर इसका एक किनारा और इधर जो है यहाँ पे R3 जो होगा उसका एक किनारा यहाँ पे कनेक्ट है, बीच में इसका सब बहुत सारा है, फाइनली ये RN है, RN N तक के गया होगा। लास्ट में जो हमको दो इंड्स मिला, दो किनारा मिला, इसका एक किनारा, बाकी इधर का किनारा तो कंबाइन कर चुके हैं, और इसका लास्ट का किनारा, ये दोनों किनारे को हम एक बैटरी पोटेंशियल सोर्स बीच से कनेक्ट करते हैं। इसी टाइप का कनेक्शन जो रजिस्टर का होता है उसी को हम बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। इसमें हम देख क्या रहे हैं, दो चीज़ ध्यान देना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये सेल तुम्हारा आई करंट फ्लो करवा रहा है यहाँ पर आई, इसका मतलब कि मानते हैं यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला नेगेटिव पॉजिटिव, तो यही 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में हो जाएगा, फिर इधर वापस रिवर्स आएगा। मतलब अगर आई करेंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो सब में जो करेंट होगा वो आई आई होगा, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, सब में करेंट आई होगा। पहला चीज़ ये क्लियर हो गया कि सीरीज ग्रुपिंग में करेंट सब रजिस्टर में सेम होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का देखो, ये भी है, देखो सर्किट का जो फाइनली जो किनारा था, दो इंड्स था रजिस्टर कम्बिनेशन का, वो इंड यहाँ पे है और एक इंड यहाँ पे है। अगर हम इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, अगर ये 12 वोल्ट बेस्ड लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट का। अगर हम वही दो पॉइंट को लेकर के उधर ऊपर हम देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है कि ये कम्बिनेशन का भी पोटेंशियल डिफरेंस जो कि यही पॉइंट से कनेक्ट है तो वो भी 12 वोल्ट का होगा। मतलब अगर ये वी वोल्ट है इधर सर्किट में तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूरा काउंट करेंगे हम सब को ऐड करेंगे तो कितना होगा, वी होगा, रेजिस्टेंस में भी कितना होगा, वी होगा। तो ऐसा हम बोलें क्या कि वी इसमें भी ऐसा नहीं होगा, चूँकि वी प्लस वी टू वी थ्री वी बहुत हो जाएगा तो अलग अलग होगा, ये वी वन होगा, ये वी टू होगा, ये वी एन होगा। हाँ एक चीज़ क्लियर है कि सबको अगर ऐड करेंगे तो ऐड करके वो वी आना चाहिए, मीन्स ऐसा आना चाहिए V=V1+V2……Vn, ये आना चाहिए। तो यही इक्वेशन मेन होता है सीरीज ग्रुपिंग के लिए, मतलब वैसा ग्रुपिंग जिसमें करेंट तो सब में से सेम फ्लो हो रहा है लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। ये V1 V2 सेम है, अलग अलग है, इसी देखो तो V=IR, ये हम जानते हैं, समय करेंट का वैल्यू अगर सेम होता और जैसा है भी और सबका रेजिस्टेंस अगर सेम होता तब ये V1 V2 सब आपस में बराबर होता, लेकिन सबका रेजिस्टेंस अभी हम अलग अलग माने हुए हैं, R1 R2 है, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है तो सबका वी भी अलग अलग होगा। मतलब V1 में भी V2 से डिफरेंट है, V3 से डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि सबको हम ऐड करेंगे तो वी के बराबर होगा। तो कुल मिला के सीरीज ग्रुपिंग में बस दो चीज़ याद रखना होता है कि हर रजिस्टर से करेंट सेम होता है और हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब V1 कितना है, देखो तो इस फिगर में तो V1=IR1 बोल सकते हैं, तो V1 की जगह पे IR1 प्लस उसी से V2=V2 जगह पे क्या IR2, ये चलता ही रहेगा, IRN, I कॉमन निकालते हैं, IR1+R2+RN, ये V/I। अब यहाँ पे ये आई यहाँ कर दिए तो ये आई खत्म हो गई। अब इसे ध्यान देना यहाँ पे कि V/I है क्या, इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल कितना है, V है टोटल पोटेंशियल, और टोटल करंट भी कितना है, I। तो टोटल पोटेंशियल बाय टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल बाय टोटल करंट क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये V/I क्या दिखा रहा है, इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब टोटल यहाँ समझना जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये सब रेजिस्टर आपस में मिल गए क्या काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है कि वी वोल्टेज से आई करेंट को ड्रॉ करवा दे रहा है, क्योंकि करंट वोल्टेज पर ही डिपेंड नहीं करता, पहले ही बता चुके थे वोल्टेज जो है, करंट जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास ऐसा एक कम्बिनेशन हो जाए इस टाइप से, ये वी है और ये आर है और ये आई है, मतलब ये ऐसा आर ऐसा रजिस्टर है जो वी वोल्टेज से आई करंट ड्रॉ करवा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये सब मिल के ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वी वोल्टेज से आई करंट ड्रॉ करवा रहा है,
मतलब ये चीज और ये सिंगल ए आपस में सेम है, तो यहाँ पे वी बाई आई इज इक्वल टू आर हम बोल सकते हैं, तो वी बाई आई इज इक्वल टू आर, और इसी आर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्वल टू कितना हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 आर एन। ये फॉर्मूला है, बहुत ईजी है, क्लास में तो लोग पढ़ा भी होगा। सीरीज ग्रुपिंग में टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेशंस। मतलब अगर सीरीज ग्रुपिंग हो कोई नहीं आएगा तो सबको हम सिर्फ अलजेब्रा के मेथड से जोड़ देंगे। ये फार्मूला किस टाइप से आ गया, कैपेसिटर में जो हम कैपेसिटेंस को पैरेलल जोड़े थे उस टाइप का फार्मूला है। अब यहाँ पे दो दो के लिए याद रखो इंपॉर्टेंट, तो आर इक्वल टू सिर्फ यहाँ पे इतना नहीं होता, दो ही होता, तो कितना होता आर वन प्लस आर टू, बस इतना याद रखो।